तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले 11th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बर्नौलीज प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बर्नौलीज प्रिंसिपल के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कोई भी लिक्विड जब फ्लो होता है तो उसके पास कितनी एनर्जी होती है, क्योंकि ये कंसेप्ट इसमें पूरा यूज होने वाला है। तो जब कोई लिक्विड फ्लो होता है उसके पास तीन तरह की एनर्जी होती है, कौन कौन सी? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब प्रेशर एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल कितनी होती है, आइए वो जान लेते हैं। तो किसी भी लिक्विड के पास प्रेशर एनर्जी, मान लीजिए ये मेरा पाइप है, इस पाइप के जरिए मुझे किसी भी लिक्विड को ऊपर भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, पंप लगाऊंगा, यहाँ पे मोटर लगाऊंगा, वो मोटर क्या करेगी, इसको पंप करेगी ऊपर। तो वो क्या कर रही है, लिक्विड के ऊपर वर्क कर रही है। तो जो पंप मेरा वर्क कर रहा है लिक्विड के ऊपर, दैट वर्क डन इज नोन एज प्रेशर एनर्जी। क्या कहलाएगा? प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी क्या होगी, वर्क डन ऑन फ्लूइड। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? आप सब जानते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर, फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इनटू एरिया। ये कहां से आया, प्रेशर के फॉर्मूले से। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वहां से हमने फोर्स की वैल्यू निकाल ली, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी भी चीज का वॉल्यूम V, तो PV ये हमारी क्या है, प्रेशर एनर्जी। लेकिन हम लिक्विड के अंदर एक यूनिट वॉल्यूम पे हर चीज कैलकुलेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी भी वन यूनिट वॉल्यूम पे देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी वन यूनिट वॉल्यूम पे चेक करेंगे, और प्रेशर एनर्जी भी। तो प्रेशर ये तो टोटल प्रेशर एनर्जी है, कितनी हमने इसको दी पूरे वॉल्यूम को। अब निकालेंगे प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये कितनी हो जाएगी, पी वी अपॉन वी, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया पी, जस्ट। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम यहां पे राइट डाउन कर लेते हैं, प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू पी, पर यूनिट वॉल्यूम पे है। दूसरा, अच्छा पर यूनिट मास पे कितनी हो जाएगी, ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, तो पी वी अपॉन एम, वी अपॉन एम, वॉल्यूम अपॉन मास क्या होता है, यस, डेंसिटी का उल्टा, राइट? डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, बट यहां उल्टा है, वी अपॉन एम, तो क्या हो जाएगा, पी अपॉन रो, राइट? ये पर यूनिट मास है हमारी प्रेशर एनर्जी, और ये हमारी पर यूनिट वॉल्यूम। दूसरी एनर्जी हमारी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी, चलिए वो देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब लिक्विड जो फ्लो हो रहा है उसके पास वेलोसिटी है भाई, मास भी है, तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी। तो सेकंड एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इसको कैसे निकालेंगे, वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर, सिंपल सी बात है, जो स्मॉल वी है ये क्या है, वेलोसिटी, जो कैपिटल वी में यहां पे बनाऊंगा इस टॉपिक में वो होगा हमारा वॉल्यूम, स्मॉल वी वेलोसिटी है। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम, इसे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर अपॉन में वी। अब एम की वैल्यू पुट कीजिए, एम क्या होता है, अच्छा डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो एम की वैल्यू नोट डाउन करेंगे, क्या, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और इनटू में हमारा वेलोसिटी वाला वी का स्क्वायर अपॉन में वी, वी से वी कैंसिल, तो पर यूनिट वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी भैया वन अपॉन टू रो वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यहां नोट डाउन कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वन अपॉन टू रो वेलोसिटी का स्क्वायर। ओके, नाउ इसी को अगर हम पर यूनिट मास निकाले, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ये कितनी निकल के आएगी, वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर अपॉन में एम, एम से एम डिवाइड कट गया भैया, तो वन अपॉन टू वी स्क्वायर, ये हमारी क्या है, पर यूनिट मास काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड की एनर्जी आ गई हमारी काइनेटिक। नाउ प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट भी है
तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तीसरी एनर्जी हमारी, वो भी निकालेंगे पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, आपने पढ़ा होगा नाइन्थ क्लास में भी। यस, MGH, बिल्कुल सही बात है। तो थर्ड है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू MGH, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम पे कैलकुलेट करेंगे भैया, MGH अपॉन V। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ गया हमारा, डेंसिटी, तो रो जी एच। तो थर्ड एनर्जी आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू रो जी एच, और इसी को अगर हम पर यूनिट मास निकाले, पर यूनिट मास पोटेंशियल एनर्जी को, तो कितना आएगा MGH, यस अपॉन में M, बिल्कुल सही सोचा आपने, GH। तो ये हमारा तीनों तरह की एनर्जी आ गई। बर्नौली भाई साहब ने क्या कहा कि किसी भी लिक्विड में जब वो अंडर स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल, अंडर स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ ए लिक्विड, द टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड, टोटल का मतलब तीनों, कौन कौन सी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का सम ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट एट एवरी पॉइंट। उदाहरण के तौर पे समझाता हूं, मैंने यहां से पंप लगाया, उसने प्रेशर दिया, प्रेशर मतलब वर्क किया फ्लूइड को ऊपर, फ्लूइड फ्लो होने लगा, यहां पर टोटल एनर्जी मेरी 100 जूल है, तीनों का सम, प्रेशर भी, काइनेटिक भी, पोटेंशियल, तीनों का यहां पे इस पॉइंट पे कितना है 100 जूल। अगर मैं इस पॉइंट पर एनर्जी चेक करता हूं तो मैं क्या देखता हूं, हाइट बढ़ने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी मेरी चेंज हो गई और काइनेटिक एनर्जी मेरी में भी चेंज आया है और मेरी प्रेशर एनर्जी भी चेंज हो गई यहां पे। बट तीनों का जब मैं सम करता हूं इस पॉइंट पे भी, वो भी 100 जूल ही मिलता है। फिर इस पॉइंट पे चेक करते हैं, यहां पर इस पॉइंट पे जब चेक किया तो भी 100 जूल। तो मतलब क्या है कि लिक्विड के अंदर हर पॉइंट पे मेरी तीनों एनर्जी का सम क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट एट एवरी पॉइंट, पाइप के अंदर या किसी रिवर के अंदर, हर जगह। तो सम ऑफ ऑल एनर्जी एट एवरी पॉइंट इन ए फ्लूइड ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, ये है। तो इसको लिख लेते हैं बर्नौली प्रिंसिपल को, वो क्या कहता है वो ये कह रहा है भैया कि तीनों का सम मेरा बराबर रहेगा हर जगह। चलिए, तो ये पॉइंट हमारा, यहां से हमने फ्लूइड को अंदर डाला पाइप में, पानी यहां से एंटर कर रहा है, यहां से एग्जिट कर रहा है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है A1 है, यहां पर वेलोसिटी फ्लूइड की V1 है, प्रेशर इसका यहां पर इस पॉइंट पे P1 है, इस पॉइंट पे प्रेशर P2, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड V2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, हाइट पाइप की ग्राउंड से हाइट H1 है यहां पर, और इस पॉइंट पे हाइट हमारी H2 है। ओके, तो इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर, पॉइंट ए की बात करते हैं और पॉइंट बी, पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी कितनी होगी हमारी तीनों का, मान लेते हैं यहां पे प्रेशर एनर्जी हमारी P1 है, पर यूनिट वॉल्यूम पे बात हो रही है, तो P1 प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी यहां पे, यस 1/2 रो, क्योंकि डेंसिटी तो चेंज नहीं होगी लिक्विड की, लिक्विड तो वही है, डेंसिटी तो वही रहेगी यहां पे भी वहां पे भी, तो रो, बट यहां पे वेलोसिटी अलग है, कितनी हो जाएगी V1 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी रो जी भी सेम है बट H1 अलग है, हाइट अलग है भाई, जी चेंज नहीं होगा और डेंसिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि वो तो कॉन्स्टेंट है एट एवरी पॉइंट, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर, जो वहां पे हमारा टोटल एनर्जी कितनी P2 प्लस काइनेटिक एनर्जी वहां पे कितनी होगी 1/2 ρ V2² प्लस पोटेंशियल एनर्जी रो जी H2, ये कहा बर्नौली भाई साहब ने, ये बोला है कि भाई ये हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा। अब इसको प्रूफ कैसे करें, प्रूफ करने के लिए चलिए प्रूफ देखते हैं इसका कैसे होगा। तो प्रूफ, एक चीज समझने की है
मैंने यहां पे जो प्रेशर दिया है इसको, प्रेशर एनर्जी दी है पी वन, इसी प्रेशर एनर्जी की वजह से इसमें ऊपर ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया। जो पोटेंशियल एनर्जी इसकी बड़ी है क्योंकि हाइट बड़ी है, हो सकता है काइनेटिक एनर्जी बड़ी हो या घटी हो, हमें नहीं पता बड़ी है कि घटी है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया वो भी प्रेशर एनर्जी की वजह से आया। मतलब जो मैं प्रेशर दे रहा हूँ वही मेरा प्रेशर इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पैदा कर रहा है। मतलब मैंने तो इसको प्रेशर एनर्जी दिया और इसके अंदर जो डेवलप हुई, इसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या चेंज हुआ, काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई इसकी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई। हाँ, मेरा जो प्रेशर इस पॉइंट पे है पी टू, ये कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि कुछ जो मैंने दिया है उसमें से कुछ कम होगा तभी तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में वो कन्वर्ट होगा। मेरा दिया गया प्रेशर ही किसमें कन्वर्ट हुआ है? जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है वो एनर्जी कहां से आई? प्रेशर से तो आई। जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा हाइट पे जाने से वो भी प्रेशर से ही आया। तो जो मैंने प्रेशर एनर्जी दी थी हो सकता है मेरी वो यहाँ पे कम हो गई हो, राइट? हम ये मान के चलते हैं, इस तरीके से हम मान लेते हैं। तो हमने जो एनर्जी दी, एनर्जी में जो चेंज है, गिवन एनर्जी कितनी है मेरी, तो चेंज इन प्रेशर एनर्जी, चेंज इन प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू, यहां पे पी वन थी, वहां पे कितनी हो गई पी टू, और यही जो मेरा प्रेशर एनर्जी में चेंज हुआ है, यही मेरी जो कम हुई है प्रेशर एनर्जी, ये किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी में। ये मेरी गिवन एनर्जी भी है, गिवन एनर्जी। ओके, नाउ दूसरा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पे काइनेटिक एनर्जी अलग है, वहां पे अलग है, तो चेंज निकालेंगे तो वहां की काइनेटिक एनर्जी में से यहाँ की काइनेटिक एनर्जी को घटा देते हैं, राइट? या इसमें से उसको घटा लो, उसमें से इसको घटा लो, एक ही बात है। तो कितना हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी, वहां पे वेलोसिटी कम हो जाएगी क्योंकि एरिया ज्यादा है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारी ज्यादा है। चलो उसमें से माइनस कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा 1/2 mv2 square, नहीं रो है भैया, रो पर यूनिट वॉल्यूम पे बात हो रही है, रो वी टू का स्केयर माइनस 1/2 रो वी वन का स्केयर। ये मेरी क्या है? काइनेटिक एनर्जी में चेंज। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ वो निकाल लेते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वहां पे कितनी है पोटेंशियल एनर्जी? रो जी एच टू माइनस यहां पे कितनी है? Rho GH1, ठीक है? तो ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया, ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ गया, और गिवन एनर्जी कितनी है? P1 माइनस P2, ठीक है? तो नाउ एक फंडा है हमारा भाई, गिवन एनर्जी इज इक्वल टू टेकन एनर्जी, जितनी एनर्जी मैंने इसको यहां से दी उतनी इसने ली, सीधी सी बात है, गिवन एनर्जी इज इक्वल टू टेकन एनर्जी, और जो मैंने एनर्जी दी है P1 माइनस P2 दिया इसको, ठीक है, घटा दिया मैंने प्रेशर में से P1 में से P2, वही एनर्जी P1 माइनस P2 किस में कन्वर्ट हुई है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हुआ है वो उसमें कन्वर्ट हो गई। मतलब इसने, हमने प्रेशर दिया इसको और वो प्रेशर जो मेरा कम हुआ है वो प्रेशर कम होके किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक में और पोटेंशियल में, सीधी सी बात है। नाउ अब पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे? गिवन एनर्जी कितनी है? P1 माइनस P2 इज इक्वल टू टेकन एनर्जी, ये रही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, 1/2 rho V2 square माइनस 1/2 rho V1 square प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? Rho GH2 माइनस Rho GH1। तो देखिए भाई, जो माइनस वाले हैं उनको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो क्या बन गया? P1 प्लस इसको इधर ले आओ, 1/2 rho V1 square
प्लस रो जी एच वन इज इक्वल टू पी टू को उधर ले जाओ तो पी टू का प्लस का हो जाएगा भैया प्लस पी टू और प्लस वन अपॉन टू रो वी टू का स्क्वायर प्लस रो जी एच टू हो गया प्रूफ। पी वन प्लस ये क्या है इस पॉइंट की टोटल एनर्जी तीनों एनर्जी इज इक्वल टू इस पॉइंट की तीनों एनर्जी के बराबर तो यहां पे जो एनर्जी है वो इस एनर्जी के बराबर है आगे प्रूफ। तो ये हमारा बर्नौलीज थ्योरम का प्रूफ है। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है डेफिनेशन आपको आनी चाहिए और इसका फॉर्मूला आना चाहिए। एक नंबर में पूछते हैं तो सिर्फ डेफिनेशन लिखो और फॉर्मूला लिखो। अगर वो आपसे प्रूफ करने के लिए बोलते तो कम से कम तीन नंबर में आपको देगा। तो तीन नंबर में फिर आपको पूरा डायग्राम और ये पूरे एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी निकाल के गिवन एनर्जी इक्वल टू टेकन एनर्जी और ये पूरा प्रूफ करके उसको दिखाना है। नाउ अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी रियल लाइफ में बर्नौलीज प्रिंसिपल कहाँ कहाँ काम आता है, कैसे आप एरोप्लेन से उड़ पाते हैं, किस तरीके से हमारी डेली लाइफ में एक्टिविटी जो हम करते हैं बहुत सारी एक्टिविटी है एक एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे। भाई हवा चलती है तो झोपड़ी की जो छत होती है मकानों की जो छत होती है टीन सेट्स वो उड़ जाती है हवा में। तो ये इन सब के पीछे बर्नौलीज प्रिंसिपल का हाथ है, सीधी सीधी सी बात है। ठीक है, तो कैसे काम करता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर डिस्कस करेंगे।